पीलीभीत में दुकान स्वामी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह करीब 12 वर्षों से दुकान किराए पर चला रहा था और आज पुलिस के साथ आए दुकान मालिक ने दबंगई दिखाते हुए दुकान से सामान बाहर फेंक कर उससे मारपीट कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तस्वीरों में आप भीड़ में एक दुकानदार से उसकी दुकान खाली कराने के लिए उसे पीटते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार की है। यहां दुकान स्वामी ने जबरन मारपीट कर किराएदार का सामान सड़क पर फेंक कर उसके साथ मारपीट की है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। सर, क्या मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, किन लोगों ने मारा, क्या हुआ? मैं दुकान जब खोल लिया था तो एकदम मतलब मैंने भाई ये 5-6 लोग आ गए, आते ही लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरा सामान जो निकाल के सब बाहर फेंका कुछ सामान, और मेरा गल्ला लूटा और पूरी तरह से मुझे मारा और ताले डाल और चले गए। मैं गया मतलब कहने का थाने, तो थाने में मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी तरह की, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा मुकदमा अभी तक लिखा नहीं गया है। कौन लोग थे? जहीर थे, मोहिन थे, तनवीर थे, और वो था तनवीर का लड़का था और वो था मोहसिन था। शिकायत करी आपने पुलिस से? पुलिस से शिकायत करी और पुलिस ने कोई सुनवाई हमारी करी ही नहीं अभी तक। हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।